नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका हमारे इस YouTube चैनल प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने डे 15 के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आप जानते ही हैं ये एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है रिगार्डिंग नायब तहसीलदार, तो स्पेसिफिकली जिसको नायब तहसीलदार के एग्जाम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है, इस टेस्ट सीरीज में हम डेली के कुछ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उन 10 क्वेश्चंस से रिलेटेड वो कौन से टॉपिक से बने हैं उनको देखते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस के बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं या फिर उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का सेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं विद डे 15। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर पर है, या फिर आप समझ सकते हैं कि टेम्पल्स के ऊपर है। सो द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स यानी कि 84 टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि 84 मंदिरों का समूह हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए इज पांगी, बी इज धर्मशाला, सी इज भरमौर एंड डी इज बखलोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज भरमौर, यानी कि भरमौर में जो है ये आपका 84 देवी टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा रिगार्डिंग डैम है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है द पंडोह डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए ब्यास, बी चुनाब, सी रावी एंड डी इज यमुना रिवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ब्यास रिवर। ये जो डैम था इसको कमीशन किया गया था 1977 में। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये पंडोह डैम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिचुएटेड है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा 153rd यानी कि आज का तीसरा सवाल। इन विच ईयर डिड महाराजा रंजीत सिंह इन्वेड मंडी। महाराजा रंजीत सिंह ने किस वर्ष मंडी पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 1830, बी 1825, सी 1820 एंड डी इज 1810। तो इसका सही आंसर है 1830। ये जो आपका टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है सिख एंड द हिल्स, सिख रूल एंड हिल्स, जिसमें स्पेसिफिकली जब हम राजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम अमृतसर की ट्रीटी के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा किस तरह से ब्रिटिशर्स के साथ जो थे वो एंग्लो सिख वॉर्स हुए थे वो भी हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। उसी समय हम इनके इन्वेजन को भी जो है वो स्टडी करते हैं। ये टॉपिक जो है आपका मेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आ सकता है, जबकि मेंस में किसी बैटल के ऊपर आपको लिखने को आ सकता है। तो आपको एंग्लो सिख वॉर्स जो आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी रेडी करेंगे, आपको इसके लिए भी रेडी रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वट वॉज द रीजन ऑफ तैमूर लंग नॉट इन्वेडिंग नगरकोट इन 1399 में तैमूर लंग के नगरकोट पर आक्रमण न करने का क्या कारण था। आप जानते ही हैं ये वो समय था जिस समय आपके तैमूर ने जो था आपके इंडिया के जो बॉर्डरिंग कुछ रीजन्स थे वहां पे जो था वो अटैक किया था, लेकिन वो क्या किया था, वो रिटर्न हो गए थे और इस एरिया को जो था वो छोड़ दिया था उन्होंने। तो इस एरिया को यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन तक तो उन्होंने इन्वेड किया ही था, उन्होंने चाइना का बहुत सारा एरिया जो था वो इन्वेड किया था, लेकिन इस एरिया को उन्होंने क्यों छोड़ दिया था। इस एरिया को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ का जो टेरेन था, यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, यानी कि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। और आप जानते ही हैं जितना ज़्यादा टेरेन टफ रहता है, जितनी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन यानी कि पहाड़ नदियाँ जहाँ ज़्यादा रहती हैं और प्लेन एरियाज़ नहीं होते वहाँ पे जो है वो बैटल करना टफ रहता है, बैटल को जीतना टफ रहता है, आर्मी को वहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से डिप्लॉय करना टफ रहता है। इसलिए वो यहाँ से बिना इसको एरिया को टच किए जो थे वो वापस चले गए थे। अगर वो इस एरिया पे दोबारा अटैक करते तो आप समझ सकते हैं कि 1399 के समय पे ऑलरेडी जब इस समय जो था वो दिल्ली सल्तनत का समय यहाँ पे चल रहा था और एक इन्वेजन होता और शायद आज की हिस्ट्री कुछ और सेंस में लिखी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, बंथारा झांकी एंड करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि बंथरा झांकी और करियाला हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं। ए इज हिल ड्रामास, बी इज पेंटिंग, सी इज वीविंग एंड डी इज सॉन्ग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हिल ड्रामा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीटली फैक्ट्स हैं
और आपको ये जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपको जब हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं उस टॉपिक से ये सेक्शन में पूछा जाता है। तो पर्टिकुलर डांस फॉर्म्स हो गए, ड्रामास हो गए, थिएटर्स हो गए, ये सब आपको इनके नाम जो हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, जैसे ये नाम, तो ये आपको याद रखने हैं, ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड है। आगे चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द शांत एंड शाबू डांसेस आर मेनली एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि शांत और आपका जो शबू नृत्य है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़े हैं। पहले तो इसने ये क्लियर कर दिया है कि ये दोनों जो है वो डांस फॉर्म्स हैं, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है इस एमसीक्यू से, और दूसरा इसने जगह पूछी है, तो ए है पालमपुर, बी है रामपुर, सी इज लाहौल एंड डी इज ऊना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लाहौल। यानी कि ये जो दोनों तरह की चीजें हैं ये क्या हैं, एक तो ये डांस फॉर्म्स हैं और ये कौन से रीजन की हैं, ये आपके पास लाहौल की है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है ये भी हमारा डांस से रिलेटेड है, हमारा कल्चर आर्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर कयांग, बाक्यांग एंड बंग्यांग चू। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका अलाइड में और आपका एनटी में ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है, तो इस तरह के सवाल आपको जो है वो रेडी रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कायांग, बाक्यांग और बंग्याचू जो है वो क्या है। ए है डांसेस, बी इज हैंडीक्राफ्ट, सी इज फेस्टिवल्स एंड डी इज ड्रामास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डांसेस। आगे बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन हमने जो है सेंसस से लिया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एग्जाम में बैठने से पहले जो आपका ये टॉपिक है सेंसस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सेंसस ऑफ एचपी जो है ये आपको 2011 का रेडी करके जाना है। इनफैक्ट आपको इंडिया का भी जो है वो थोड़ा डेटा उसका ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। ऑप्शन ए इज 112, ऑप्शन बी इज 123, ऑप्शन सी इज 113, ऑप्शन डी इज 190। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 123। बढ़ते हैं हमारे आज के नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड, यानी कि गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में है। ए इज कुल्लू, बी इज चंबा, सी इज कांगड़ा एंड डी इज किन्नौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चंबा। आपको ये सब चीजें जो है ये फैक्ट बेस्ड है कंप्लीटली, इनको अच्छे से याद करना है पर डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया है। ऑप्शन ए है आपके पास बिलासपुर, बी इज कांगड़ा, सी इज चंबा एंड डी इज हनूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हनूर। और ये जो रिवोल्ट किया गया था ये आपका 1859 एडी में जो था वो हंडूर में, यानी कि नालागढ़ में जो था ये किया गया था। तो आई होप आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक सवाल आपसे पूछा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। इसके अलावा कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, या कोई भी आपके सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। IBTS इंडिया पर्टिकुलरली स्टेट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश स्टेट सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है। हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से जो है आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकें। हम यहाँ पे HP से रिलेटेड हर तरह के एग्जाम, चाहे अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, आपके HAS या और भी अलग अलग एग्जाम्स जो आपकी स्टेट HP जो है वो रिलीज करती है, उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपको या तो अपने एडमिशन से रिलेटेड या किसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको आपकी स्क्रीन पे दिखाए जाए वाले नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।